हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं क्रैक मूवी रिव्यू। ये मूवी विद्युत जामवाल, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन एंड नोरा फतेह अली खान, इन तीनों ने इस मूवी में मुख्य किरदार निभाया है। इस मूवी में अर्जुन रामपाल ने बहुत ही बेहतरीन एक्शन दिखाया है। वह विद्युत जामवाल को तगड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी विद्युत जामवाल एक्शन और स्टंट मूवी के लिए ही जाने जाते हैं, और उनके एक्शन और स्टंट एकदम रियल लुक लग रहे हैं। और विद्युत जामवाल ने इस मूवी के लिए अलग-अलग देशों से, अलग-अलग कंट्री से एक्शन के मास्टर को बुलाया था कि अलग-अलग तरह के एक्शन सीन और स्टंट कर सकें। और इस बार उनका एक्शन लेवल अलग ही लेवल का दिख रहा है। और इस मूवी में एक्शन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी अच्छा दिखाया गया है। और इस मूवी का एक्शन बहुत ही बेहतरीन है। इससे पहले हमने टीज़र ट्रेलर दोनों में देखा था कि विद्युत जामवाल ने अच्छे एक्शन सीन दिखाए थे। और क्रैक मूवी गेम और स्पोर्ट्स पे होने वाली है, और उस गेम को जो जीतेगा उसे बड़ी प्राइम मनी मिलेगी। और उस गेम में जो जाएगा वो अगर मर भी गया तो उस गेम वाले को कोई कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही गेम में विद्युत जामवाल का भाई चला जाता है और वह वहाँ मारा जाता है। उसके बाद विद्युत जामवाल भी उस गेम का हिस्सा बनता है, ताकि अपने भाई के साथ जो कुछ हुआ उसका पता लगा सके। आखिर वो मरा तो कैसे मरा? उसे मारने के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी? अब यही देखना है कि विद्युत जामवाल भी इस गेम को जीत पाता है या उसका भी उसके भाई के जैसे हाल होता है। ये मूवी हमें थिएटर में जाके देखने पे ही मालूम पड़ेगी। ये मूवी भी संजय दत्त की मूवी लक मूवी आई थी उसी तरह की स्पोर्ट्स एक्शन स्टोरी है। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन एक्शन से भरी है। इस मूवी का अंत भी विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल की लड़ाई को देखकर अलग ही महसूस होता है। अर्जुन रामपाल विलन के रोल में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने भी अच्छी बॉडी बनाई है। मैं इस मूवी को 2.5 स्टार दूंगा। ये मूवी एक बार थिएटर में जाके देख सकते हैं। ये अच्छी स्टोरी है। ये विद्युत जामवाल की अच्छी एक्शन मूवी है। इस वीडियो में कोई चीज़ पसंद आए ना आए, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।